हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.5 के जो हमारे क्वेश्चन 3, 4, 5 जो बचे हुए थे उनको करेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कर चुके हैं, आई होप कि सभी को क्लियर हो गए होंगे। देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, एक स्टेटमेंट दी हुई है आपको कि शुभम पेंटेड 2x3 ऑफ द वॉल। शुभम जो है वो पेंट करता है वॉल को, जिसका कितना पार्ट करता है, 2x3 पार्ट। ओके, पेंटेड 2x3 एंड हिज सिस्टर माधवी हेल्प्ड एंड पेंटेड 1x3, और उसकी सिस्टर उसकी हेल्प करती है, वो कितना पेंट करती है, 1x3। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है हाउ मच डिड दे पेंटेड टुगेदर, दोनों मिलके कितना करते हैं। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखिए शुभम, पहले हम लिखेंगे शुभम कितना पेंट करता है। ओके, शुभम पेंटेड कितना, 2x3। ओके, 2x3 करता है वाल का। एंड हिज सिस्टर माधवी, माधवी है ना उसकी सिस्टर। ओके, हिज सिस्टर माधवी पेंटेड द वॉल कितना, 1x3। तो देखिए शुभम कितना पेंट करता है, 2x3, उसकी सिस्टर कितना करती है, 1x3। तो दोनों मिलके कितना करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे या सबट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो पेंटेड टुगेदर कितना, 2x3 प्लस 1x3, दोनों को क्या कर देंगे, ऐड। तो अब देखिए आप देख रहे हो दोनों फ्रैक्शन कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शन, क्यों, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर कैसा है, सेम। तो कैसे करते हैं हम इसको, एलसीएम ले लेंगे दोनों का 3, और जब मैंने बताया था लाइक फ्रैक्शन हो तो ऊपर के न्यूमिनेटर को सिंपल ऐड कर देना है, 2+1 कितना हुआ, 3। तो फ्रैक्शन आया हमारा, यानी कि 1 भी लिख सकते हो इसको। ओके, तो कितना दोनों मिलकर करेंगे, 3x3। तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, आपने अपनी नोटबुक में अच्छे से उतार लेना है इसको, पॉज करके वीडियो को। तो क्वेश्चन 4 देखिए क्या दिया हुआ है आपको, फिल इन द मिसिंग फ्रैक्शन, आपको मिसिंग फ्रैक्शन बॉक्स में फिल करना है, फिल द मिसिंग फ्रैक्शन। तो ए पार्ट है उसका, देखिए क्या दिया हुआ है, 7x10 बॉक्स दिया हुआ है आपको, 7x10 माइनस एक बॉक्स दिया हुआ है और इक्वल में दिया हुआ है 3x10। तो देखिए बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, 7x10 यानी कि फ्रैक्शन है एक 7x10, उसमें से माइनस करना है आपने कुछ फ्रैक्शन, क्योंकि आंसर आ जाना चाहिए 3x10। तो नीचे तो देखो 10 ही है, तो नीचे तो ये बॉक्स बना देते थोड़ा बड़ा, तो अब हमने कौन सा फ्रैक्शन आएगा, अब लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 10 है, तो नीचे तो कितना रहेगा, 10 है ना। तो आप देखिए 7 में से क्या माइनस करें कि 3 आए, कितना माइनस करेंगे, 4। तो हमारा फ्रैक्शन आ गया 4x10, बहुत ही इजी है। चलिए अब इसका एक बार बी पार्ट देख लीजिए, आपको बॉक्स दिया हुआ है, स्टार्टिंग में ही बॉक्स है, माइनस करना है उसमें से हमें 3x21 और आंसर आना चाहिए हमारा 5x21। तो बताओ बॉक्स के अंदर कौन सा फ्रैक्शन आएगा, नीचे तो 21 ही आएगा। ओके, अब देखो माइनस करना है, कितने में से हम माइनस करें 3 को कि 5 आए, कितने में से माइनस करना पड़ेगा, 8 में से, 8-3=5, तो बॉक्स में क्या आएगा, 8x21। ओके, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सारे पार्ट आपने खुद से करने हैं, बाकी दो ही बचे हैं, दोनों पार्ट आपने खुद से करने हैं, ठीक है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 है, जावेद वाज गिवन 5x7 ऑफ ए बास्केट ऑफ ऑरेंज। एक जावेद को 5x7 पार्ट एक ऑरेंज है जो बास्केट के अंदर है, बास्केट के अंदर ऑरेंज है, उसमें से उसको कितना मिल गया जावेद को, 5x7। तो बताइए कितना फ्रैक्शन ऑरेंज का बच गया। ओके, तो जावेद को कितना मिला, पहले तो वाज गिवन
ऑरेंजेस कितना मिला, 5/7। 5/7 का मतलब 7 में से 5 मिले उसे, तो यानी कि टोटल हमारे पास कितने हैं ऑरेंज, 7 है उस बास्केट में, है ना। 7 में से 5 मिले तो कितने बच गए उसमें से, 7 में से 5 जाएंगे तो कैसे करेंगे, ऑरेंज लेफ्ट, कितने बचे टोटल ऑरेंज कितने हैं, 7, तो यानी कि 7 में से 7, टोटल तो 7 ही है, माइनस कर देंगे उसमें से 5/7, यानी कि 7/7 क्यों, क्योंकि 7 ऑरेंज टोटल है तो उसमें से कितने निकल सकते हैं, फ्रैक्शन कितना बन सकता है मैक्सिमम, 7/7 उसमें से माइनस कर देंगे 5/7, तो कितना बचेगा 2/7, तो 2/7 लेफ्ट बच गया किसके अंदर, बास्केट के अंदर। ओके, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे, क्वेश्चन 3, 4, 5, जिसके 4 को जो क्वेश्चन है उसके जो 2 पार्ट बचे हैं वो आपने खुद से करने हैं, और इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 7.6 जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, तो करते रहिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय।